जो क्रिस्टल लाइट्स है ना, ये मेरे से तीन लोग पूछ चुके हैं कि तू हमें दे दे। अच्छा? यहाँ से उतार के। मैंने बोला यहाँ से तो उतार के नहीं। इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली भाभी जी थे, क्योंकि उनकी ब्रीफ थी कि उन्हें क्या चाहिए। उनको जो एक था कि मुझे ग्लैमर चाहिए, मुझे इटालियन मार्बल चाहिए, मुझे क्रिस्टल्स चाहिए, मुझे फ्लोरोसेंट कलर्स चाहिए, मुझे मेरे स्टाइल में, और उनकी रिक्वायरमेंट और उनका जो है कि मेरा ड्रीम हाउस ऐसा बनना चाहिए, तो मैंने ब्लेंड करने की कोशिश की। Told Watson, we won't go for pastel shades, we won't go for any simple things. This is our dream house and we really want it to be different. And yehi pure ghar ki journey mein sabse bada point of difference tha, where mummy wanted ki everything should be glittery, and whereas Watson uncle ka pura opposite tha, nude shades, pastels, light colors, and uske baad आउटकम वॉज कि वहाँ ग्लिटरी भी है, पेस्टल्स भी है, न्यूड शेड्स भी हैं, एंड सबकी चॉइसेस थी वो फुलफिल हुई यहाँ पे इस घर में। मेरा फेवरेट पार्ट सबसे पहले तो मेरा रूम रहेगा, बिकॉज मुझे एकदम सिंपल सोबर चीज़ें पसंद है, एंड उसी रूप से मेरा भी रूम बनाया गया। एंड सेकेंडली जो मेरा सबसे फेवरेट बाथरूम रहेगा, बिकॉज मेरे को हमेशा से ऐसा था मेरे को एक बहुत बड़ा बाथरूम चाहिए एंड वॉकिंग वार्डरोब चाहिए। So my favorite space will always be a living room cum dining section, because most of the time will be spent over here, just listen to songs because I'm very fond of listening to music and all. वत्सल अंकल मेड अस अंडरस्टैंड कि अगर हम यहाँ पे समझो न्यूड शेड्स या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम ग्लिटरी नहीं यूज़ करें। तो वो वत्सल अंकल की गाइडेंस थी कि ये ट्रेडिशनल इधर सूट होगा, और अपना पूरा थीम क्लासिकल ट्रेडिशनल है, तो अपन को मॉडर्न इधर 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 ही जा सकते हैं और इधर नहीं जा सकते, जो हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी लर्निंग थी। होम मेरे लिए वो चीज़ है जो ऐसा बोलते हैं ना कि बस घर जाना है, आप घर पे ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रह सकते हो, भले बाहर कितना भी फाइव स्टार लग्जरी हो कि कुछ भी हो। आई टोटली अग्री विद मोहित, हर एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि लाइक वेर यू आर वेरी फ्री, यू आर वेरी कंफर्टेबल, कि हाँ ये नहीं करना है, ये करना है, नो बाइंडेशंस, नथिंग, नो रेस्ट्रिक्शंस एज सच। तो जब मैं इसमें इंग्रॉस हो, तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली इससे कि कहीं चीज़ें अपन को लगता है हो सकती है, बट वो नहीं हो सकती, बीइंग प्रैक्टिकल। बट हाँ, तीन वर्ड में मैं ये बोलना चाहूँगा, दिस इज़ होम स्वीट होम फॉर मी। आई तो रियली फाइंड इट कैन एंटरिंग इनटू अ ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, बिकॉज दिस गिव्स मी एग्जैक्ट व्हाट आई वांटेड। एंड टेराकोटा के एलिवेशन है घर को, एक जो मम्मी ने बोला रिजॉर्ट लुक, तो उसके रिगार्डिंग, एलिवेशन के रिगार्डिंग सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि ये एकदम यूनिक चीज़ है, आई मीन ऐसा कहीं देखा नहीं है। एंड सबसे एडवांटेजियस बात इसमें ये है कि एकदम लो मेंटेनेंस चीज़ है, इसमें कुछ मेंटेनेंस है ही नहीं। इट्स सो रैविशिंग, इट्स सो एलिगेंट, इट्स सो लग्जरियस। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ ऐसा है कि मतलब इसमें से भर भर के वर्ड्स ऐसे इसमें डाल सकते हैं। आई ऑलवेज लव्ड सब्यसाची एंड ऑल, मतलब little bit brands जितना मुझे पता है, but जो मैं चाह रही थी उन्होंने वही wallpapers वैसे ही। Watson का plus point यही है, because he himself कहीं पे भी कुछ भी selection के लिए जाना है, he is with us। ऐसे नहीं है कि हाँ मैंने ना यही address दे दिए, तुम चले जाओ, तुम select कर लो, तुम्हें। He was with us all the time। Most important thing के ना जो एक घर बनने में finalizing point में इतना साथ देने चाहिए, वो बहुत अच्छा है।